सभी को जय मसीह की। आज ये बाइबल बहुत हमारी मोटी है। मैं पूरी बाइबल के बारे में आज आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पूरी बाइबल आपको बताने लग जाऊंगा तो आज रात को आप यहाँ बैठे नहीं रहोगे। इसलिए मैं केवल इस बाइबल के बारे में एक विषय के बारे में आपको बताऊंगा। तो वो लेकिन वो चीज सच में आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो आज मैं आपको लय व्यवस्था 4 से 4 करना चाहता हूँ। लय व्यवस्था 4 अध्याय आज हम बात करेंगे। लय व्यवस्था 4:1 से लेके 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिसे प्रजा दोषी ठहरे तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे कि आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है। और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इस सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं और याजक उनको होम बलि की वेदी पर जलाए। परंतु उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अंतड़ियां, गोबर और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए, जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। बारह वचन तक पढ़ा। लय व्यवस्था 4:12। तो मैं 1944 में पैदा हुआ था और जब मैं पैदा हुआ तब हमारा देश जापान के अधीन था। तो मैं बचपन से चर्च जाता था। और फिर 1950 में मतलब उत्तर और दक्षिण क्या कहते हैं कोरिया के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो मेरी माँ तब गुजर गई, मेरे बड़े भाई युद्ध में मतलब फौजी बन के चले गए और मेरे पिताजी मतलब फौज मदद करने के लिए चले गए। तो हमारे परिवार में मतलब जितने बड़े थे मेरे माँ पिता और मेरी बड़े भाई चले गए और मेरी सबसे बड़ी दीदी तब 15 साल की थी। छोटी दीदी मतलब 13 साल की थी
और मैं 8 साल का था और मेरा भाई 4 साल का था। तो युद्ध सच में इतनी डरावनी चीज होती है। तो मतलब युद्ध के टाइम पे मतलब इतनी भयानक घटनाएं घटती हैं। तो मैं जब छोटा था तो मैं घास भी खा लेता था। मतलब इस हद तक हमारे यहाँ गरीबी थी। तो रात को अजीब सी आवाज आती थी। और बाद में मैंने उठ के देखा तो मेरी दीदी रो रही है क्योंकि कल खाने के लिए कुछ खाना नहीं है। तो उसके बाद हम सारे भाई बहन उठ गए और हम एक दूसरे को गले लगा के रोने लगे। और सच में फिर तंग आके हम सो गए। और कोरिया में सर्दी के मौसम में बहुत सर्दी पड़ती है। और गर्मियों में जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। और सर्दियों में बिल्कुल माइनस भी टेम्परेचर चला जाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जम के मर जाते थे। और हम लोग सर्दी के मारे तक कांपते रहते थे। लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ और जब मैं लगा लो कि 12 13 14 15 साल का हुआ तो मैं जैसे थोड़ा बहुत जैसे समझ समझ थोड़ी सी आ गई कि ठीक है क्या 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 है। तो फिर मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग खेत में जाते और किसी की जौ तोड़ के ले आते। और किसी खेत के गेहूं को हम तोड़ के लाते, उसको भून के खाते और इतना स्वाद लगता। तो मुझे मालूम था कि चोरी करना पाप है। और हम रो रो के प्रार्थना करते थे कि हमारे पाप क्षमा कर दो। तो पाप करके अंगीकार करके पाप करके माफी मांग के हम ऐसे अपना जीवन जी रहे थे। तो 1990 की बात है। 69 में मेरे पास आगे क्या जी कैसे अपना जीवन जीना है कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए मैंने फौज में भर्ती होने का निर्णय ले लिया। तो उस जमाने में आप जैसे अगर फौज में भर्ती होते हो तो आप रात को पढ़ाई भी कर सकते हो, नाइट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं क्या कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई कर लूंगा तो थोड़ा मेरा गुजारा हो जाएगा। और फिर जब मैं जैसे मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ वहां एडमिशन के लिए और सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा दांत का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो सामने से टूटा हुआ था। और उस वजह से मुझे डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। तो मैं इतना दुखी हो गया कि मैं जो भी करता हूँ कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैंने विश्वास किया कि सच में मैं नर्क ही जा सकता हूँ। तो जब मैं बचपन में मैं पहले तो बहुत नॉवेल्स पढ़ता था, लेकिन मैं क्योंकि पाप करता था इसलिए मुझे नर्क जाने से बहुत डर लगता था। तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया, तो मैंने पश्चाताप की प्रार्थना करनी शुरू की। तो मैंने बहुत अपनी तरफ से बहुत प्रार्थना की, लेकिन मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मेरे पाप जैसे धुल चुके हैं। तो बस मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो। तो तब से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो अगर हम बाइबल को एक दिन में 10 बार पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, तो हम 6 दिन में पूरी बाइबल को खत्म कर सकते हैं। तो मैंने 6 दिन कुछ ना करके लगातार बाइबल को पढ़ने का काम किया। तो मैंने बाइबल को 10 बार 20 बार ऐसे बार 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 पढ़ा। तो एक बार मैं लेव ऐसा की किताब को पढ़ा था और मैं बहुत हैरान हो गया।
तो आज यही बात है जो हमने पढ़ी। तो मतलब पाप क्षमा के मार्ग को यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो मैंने मतलब बहुत पाप किए थे, बहुत बार झूठ बोला था, बहुत चोरी की थी, तो मुझे मतलब पाप के लिए क्या करना है पता नहीं था, और मैंने केवल मतलब प्रार्थना की थी। लेकिन मैंने देखा कि अरे यहाँ पे तो पाप क्षमा का रास्ता बताया गया है। तो मैंने लेवसा की किताब को पढ़ा पढ़ा पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, तो सबसे पहले मतलब एक याजक अगर पाप करता तो ऐसे उसे पाप क्षमा मिल सकती है, उस बारे में लिखा हुआ था। तो लय व्यवस्था मतलब चार में जो हम देखते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि जब कोई एक प्रधान पाप करता है तो कैसे वो पाप से क्षमा प्राप्त कर सकता है। लेकिन लय व्यवस्था 4:22 में तो प्रधान पुरुष पाप करके कैसे मतलब पाप से क्षमा प्राप्त करेगा उस विषय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो मैं चाहे बहुत मेहनत से चर्च जाया करता था, लेकिन किसी ने भी मुझे स्पष्ट रूप से ये नहीं सिखाया कि कैसे पापों की क्षमा प्राप्त की जा सकती है। तो मतलब हमें सिर्फ चर्च में ये बताया जाता था कि अगर तुम मन फिराओगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो पाप क्षमा का मार्ग स्पष्ट रूप से यहाँ पे है, तो मुझे ये क्यों नहीं पता था। तो खास करके लेवसा 4:22 में, तो मतलब कैसे एक प्रधान पुरुष अपने पाप क्षमा प्राप्त करता है उस विषय में लिखा हुआ है। और मतलब 27 में, तो एक साधारण व्यक्ति जब पाप करता है तो क्या होता है उस विषय में लिखा हुआ है। तो मैं तब एक साधारण व्यक्ति था, तो मैंने रियलाइज किया कि ठीक है अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पाप खुल जाएंगे। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो मतलब क्या कहते हैं, जब मैंने आगे पढ़ना शुरू किया, तो जब कोई व्यक्ति सच में 4:27 वचन हम पढ़ेंगे, तो मैं सब एक साधारण व्यक्ति था, तो वहां पे पापों की क्षमा का रहस्य के बारे में साफ लिखा हुआ था। तो मतलब मैंने सोचा कि हमारे पास तो कभी हमें बताया नहीं, लेकिन बाइबल में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो उसके बाद मैंने 28:29 जब लगातार पढ़ा, तो यहाँ लिखा है कि तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो और वह मतलब मैंने कहा कि अरे ऐसा करके हमारे पाप धुल सकते हैं, तो मुझे भी इसी प्रकार से पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। तो मैंने इसको पढ़ा पढ़ा पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई वो। तो 29 वर्स को अगर हम देखते हैं, तो वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। तो यहां लिखा हुआ है कि पाप बलि पशु के सर पर अपना हाथ रखे, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो पाप बलि पशु के सर पे हाथ रखे, तो जहां तक मुझे पता था, जब कोई मतलब पाप, जब कोई पास्टर बनता है, जब कोई उसको अभिषेक किया जाता है, तो उसके सर पे हाथ रखते हैं, या फिर मतलब किसी को एल्डर ऑर्डेन करते हैं तो उसके सर पे हाथ रखते हैं। तो मैंने कहा ये भेड़ क्या है कि मतलब इसको इसके सर पे हाथ रखा जा रहा है, ये बात मैं समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा कि क्या करूं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। तो मैंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन ये सवाल मतलब मैं मतलब इसका जवाब नहीं मिला मुझे।
तो मैंने सोचा कि क्यों मतलब इस भेड़ को मतलब वो करना है, अभिषेक करना है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ था? बाइबल लिखा है कि तुम यहोवा की पुस्तक को ध्यान से पढ़ो। तो मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा आपके सामने बैठ के बात करूंगा। लय व्यवस्था 34:16 अगर हम सॉरी लय व्यवस्था नहीं, यशाया 34:16 अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी और बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो ये वचन पढ़ के मुझे क्या रियलाइज हुआ कि हर वचन का एक जोड़ा है, इसलिए मैंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि क्यों मतलब यहाँ पे सर पे हाथ रखने की बात की गई है। सर पे हाथ रखना तो मतलब जब किसी को बपतिस्मा देते हैं या किसी को मतलब अनॉइंट करते हैं तभी तभी सर पे हाथ रखते हैं, तो इसके सर पे क्यों हाथ रखा जा रहा है, मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन बाइबल मतलब बहुत मजेदार है। तो परमेश्वर कहता है कि उसने हर वचन का एक जोड़ा बताया हुआ है। तो इंसान भी मतलब ऐसे अकेला नहीं रह सकता, वो शादी करता है, फिर उसके बच्चे होते हैं और ऐसे करके वो अपने जोड़े के साथ रहता है। तो पहले मैं बाइबल की 66 किताबों को ऐसे ही पढ़ता था, लेकिन मुझे बाइबल से समझ में आया कि हर वचन का एक जोड़ा होता है। तो मैंने कहा आ सही है। तो अगर हम इस जोड़े को मतलब जोड़े को अगर हम ढूंढेंगे इस वचन के, तो फिर मतलब जरूर हमको मतलब इसका मतलब समझ में आएगा। तो अगर हम उसका जोड़ा ढूंढेंगे तो मतलब जरूर मिल पाएगा। तो एक दिन जब मैंने सचमुच में इसका जोड़ा ढूंढा तो मैं बहुत खुश हुआ। तो जब हम भेड़ के सर पे हाथ रखेंगे तो उसका जोड़ा हमें मिलेगा। तो लय व्यवस्था 16:21 में मुझे वो जोड़ा मिल गया। तो उस वचन को हम एक बार पढ़ेंगे, लय व्यवस्था 16:21। तो हम मतलब ये समझना चाहते हैं कि मतलब भेड़ के सर पे हाथ क्यों रखा जा रहा है, समझ रहे हैं? तो अगर हम मतलब बकरे के सर पे हाथ क्यों रखा जा रहा है, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो बहुत हमारा विश्वास स्पष्ट हो सकेगा। तो बाइबल में जब हम एक एक वचन के जोड़े को ढूंढते हैं तो बाइबल इतनी मजेदार लगने लगती है। तो जैसे मैंने बाइबल को एक बार 100 बार 10 बार 100 बार पढ़ा, तो मतलब हर वचन का हम जोड़ा ढूंढ पाते हैं। तो लय व्यवस्था 16:22 में तो मतलब एक क्या कहते हैं, एक बकरे के सर पे हाथ क्यों रखा जा रहा है, उस विषय में बताया गया है। लय व्यवस्था 16:21 में क्या लिखा है? और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेजकर छुड़वा दे। आप लोग को समझ में आया? तो मैंने पाप किया, लेकिन अगर मुझे पापों की क्षमा चाहिए तो मुझे एक बकरे को लेके आना पड़ेगा। तो उस बकरे को ऐसे ही नहीं मारना है, तो जब वो मेरे पापों को उठा के मरेगा तब वो मेरे पापों तब मैं अपने पापों से आजाद हो सकूंगा।
इसलिए मेरे पापा को उसके बकरे के सर पे ट्रांसफर करने के लिए बकरे के सर पे हाथ रखा जाता है। तो जब हम मतलब उसके सर पे हाथ रखते हैं तो तब मतलब अगर वो बकरा मर जाता है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मर रहा है, तो हम अपने पापों से आजाद हो पाता है। आप लोग समझ रहे हैं? तो अगर इसको आपको और थोड़ा स्पष्ट रूप से समझना है तो बाइबल में मतलब अगर हम जोड़े को ढूंढेंगे तो वो जोड़ा एकदम से मैच होता जाएगा। तो जब मैंने बाइबल में ऐसे जोड़े को ढूंढना शुरू किया तो बहुत मतलब मजा आया। तो मत्ती 3 अध्याय, तो आप लोग मत्ती 3 को ढूंढिए। तो थोड़ा मैं इधर उधर बहुत जगह से बाइबल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस बात को समझेंगे तो बहुत मतलब मजेदार बात है। और अगर आप इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे तो पापों की क्षमा प्राप्त करना इतना आसान हो जाएगा। मत्ती 3:13 में वहां पे क्या लिखा हुआ है? तीन का 13, उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यीशु मसीह ने यर्दन की नदी में मतलब यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। क्या आप लोग ये कहानी जानते हैं? जिसको ये कहानी पता है अपना हाथ खड़ा करो, अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो क्यों, तो किसने किसको बपतिस्मा दिया? क्या यीशु ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया या मतलब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया? तो यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। तो बहुत मजेदार बात है। तो लय व्यवस्था में जिसने पाप किया, पापों की क्षमा पाने के लिए, तो वो एक मेमने को लेके आएगा, और जब वो उस बकरे या बछड़े के सर पे हाथ रखेगा तो जो पाप है वो मतलब उस जानवर के ऊपर चला जाएगा। हामिद, तो फिर अगर वो बकरा मर जाएगा तो फिर इस व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाएगा। आमिन। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना मेमना बना के भेजा। तो अब ध्यान से सुनिए, तो यीशु मसीह सच में मेमना बन के आया और वो यूहन्ना के पास जाता है। तो जब उसने बपतिस्मा लेने की सोची तो मतलब यूहन्ना ने मना कर दिया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तो यीशु मसीह ने बोला, तो ऐसा ही होने दे, तो क्योंकि हमें इसी रीति से क्या करना है। तो सब धार्मिकता को पूरा करना है। आमेन। तो यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो कैसे उसे मतलब सब धार्मिकता पूरी हो सकती है? क्योंकि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो
सब मनुष्य जाति का जो पाप है वो मतलब यीशु मसीह के ऊपर चला गया। आमिन आमिन। तब एकदम से आकाश खुल गया और आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है तो यीशु मसीह मतलब परमेश्वर को बोलते हैं कि मतलब अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे छीन ले, लेकिन तेरी इच्छा नहीं मतलब मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह यहाँ पे मेमना है, इसलिए सारा जो पाप है वो यीशु मसीह के ऊपर चला गया। तो ये बहुत सीक्रेट बात है, मैं आपको बताने नहीं वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज बता देता हूँ। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आपको कहीं नींद तो नहीं आ रही है? कोई है जो सो रहा है? तो लग रहा है कि किसी को नींद आ रही है। तो अब मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। तो जब यीशु मसीह ने मतलब यूहन्ना मतलब क्या कहते हैं, यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो ये वही बपतिस्मा है, लाइक ये वही सर पे हाथ रखना है जो कि मतलब मेमने के साथ पुराने नियम में हो रहा था। तो जब यूहन्ना ने यीशु मसीह के सर पे हाथ रखा तो सारी मनुष्य जाति का पाप, सारी मनुष्य जाति का पाप यीशु मसीह पर चला गया। आप समझ नहीं पा रहे? योना एक अध्याय देखेंगे, योना एक का 29 वचन देखिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन पहले जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया था तब जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया था। तो जिस प्रकार पुराने नियम में जब बकरे के सर पे पाप ट्रांसफर हो गया सर पे हाथ रखने के द्वारा, तो जब वो बकरा मर गया तो पाप खत्म हो जाएगा। तो यूहन्ना 1:29 में क्या लिखा हुआ है? तो बाइबल में आप खोल के ढूंढिए, तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप सब ढूंढिए। यूहन्ना 1:29 में दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमेन आमेन। तो मैं मतलब कितना भी अच्छा सरमन दे लूं, लेकिन मैं आप लोगों को सरमन नहीं दे सकता था क्योंकि मुझे आप लोगों की भाषा नहीं आती है। तो अगर मैं आपको कुछ भी समझ दूं, अगर यहाँ पे ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं करेगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। सही है। उसी प्रकार तो बाइबल को मतलब सुलझा के आपको समझाने वाला अगर परमेश्वर सेवक नहीं आएगा होगा तो फिर हम मतलब बाइबल के मतलब वचनों को समझ नहीं सकते। तो मतलब तो सच में मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैंने 10 बार 100 बार 200 बार बाइबल को पढ़ा है। तो जब 300 बार बहुत बार बार बाइबल को पढ़ा
तो मैं इस सच्चाई को जान सका। तो जब योहन्ना ने यीशु मसीह से बपतिस्मा लिया, तो जिस प्रकार बकरे के सर पे हाथ रखे पाप ट्रांसफर होते थे, तो यीशु मसीह सच में परमेश्वर का मेमना था। आमिन। तो वह हमारे पापों को उठाने के लिए आया। तो जब यीशु मसीह ने योना से बपतिस्मा लिया, तो सारी मनुष्य जाति का जो पाप है वो सच में यीशु मसीह के ऊपर चला गया। तो एक बार मैं योना 1:29 फिर से पढ़ूंगा। तो योहन्ना 1:29 वहां पे क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, तो मतलब कल यीशु मसीह योहन्ना से जैसे बपतिस्मा लेके गए थे, तो दूसरे दिन यीशु मसीह फिर यर्दन की नदी में आए। तो वो देखे योहन्ना ने क्या कहा, उसने बोला, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो मेरे पीछे बोलिए, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इस मतलब इसको अच्छी तरह आप मेमोराइज करो। वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। आमेन आमेन। तो आप लोग पूछिए, तो आप लोगों का पाप आपसे निकल के यीशु मसीह के ऊपर चला गया। आमेन। तो आप लोगों का पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया। तो मतलब जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा लिया, तो पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया। तो योहन्ना यीशु मसीह को देख के क्या बोलता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमेन। तो आप लोग सोच रहे थे ना कि पाप आपके खुद के ऊपर है, सही है? तो हम ऐसा सोचते थे, लेकिन बाइबल क्या बताती है, बाइबल बताती है कि हमारा सारा पाप यीशु मसीह ऊपर चला गया। आमन। तो यीशु मसीह ने जब सच में हमसे क्या कहते हैं, जब वो क्रूस पे चढ़ा और उसको सजा मिली, तो हमारे सारे पापों की कीमत क्योंकि क्रूस पे चढ़ा दी गई, तो आप उसमें पवित्र व्यक्ति बन गए। आमिन। तो ऐसी बात पे मतलब खड़े होके डांस करना चाहिए, सही है? आमिन। तो चलो अभी मत करो, खत्म होने की बात करना, तो बाद में डांस कर सकते हैं आप। तो ये पास पाक की बताई बात नहीं है,
ये बाइबल की बताई हुई बात है, तो ये परमेश्वर का वचन है। तो क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस बाइबल में परमेश्वर ने आपको क्या बताया है? तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो उसमें, तो जब हम पाप करते हैं तो हमें सच में क्या कहते हैं, मतलब एक भेड़ को लाना, उसके सर पे हाथ रखना है, और जब वो भेड़ मर जाता है तो पाप क्षमा हो जाता है। तो मतलब तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जाता है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं कि अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो मैं जब छोटा था, हम लोग बहुत गरीब थे, तो मतलब हम भूखे रहते थे, तो कभी हम किसी के बाग से सेब चोरी करके खा लेते थे, कभी कभी किसी के आलू चोरी करते थे वो खाते थे। जब मैं 19 साल का हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पाप हो गया है, तो मुझे जरूर नर्क ही जाना पड़ेगा। मैं हमेशा यही सोचता था, मैं तो नर्क जाऊंगा। लेकिन नर्क जाने का मुझे बहुत मतलब दुख था, इसलिए मैंने बहुत बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो मैंने 6 दिन में जैसे पूरी बाइबल कंप्लीट कर दी। तो अगर आप मतलब 1 दिन में 10 घंटे बाइबल पढ़ेंगे तो आप मतलब क्या 10 घंटे अगर आप 1 दिन में बाइबल पढ़ेंगे तो आप 6 दिन में पूरी बाइबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार बार 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 बाइबल को पढ़ा। तो पहले जैसे मुझे बाइबल के बारे में अच्छी तरह पता नहीं होता था, लेकिन जब मैंने बार बार पढ़ा तो बाइबल जैसे कनेक्ट होनी शुरू हो गई। तो पुराने नियम में जब हम मतलब जैसे भेड़ के सर पे जब हाथ रखेंगे तो पाप जब ट्रांसफर हो जाएगा तो पाप धुल जाएगा। तो वो जो मेमना है अस्तित्व में, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। आमीन। तो जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया तो सब मनुष्य जाति का जो पाप था अनंत काल के लिए, तो अगर आपको अनंत काल के लिए पाप को धोना है तो मतलब पाप हमें मतलब सभी से बंधी हुई दुनिया में क्या कहते हैं, हमें नहीं बलिदान चढ़ाना है। तो यीशु मसीह अपने ही लहू को लेकर, तो उसने मतलब इस पृथ्वी के तंबू में प्रवेश नहीं किया, तो स्वर्ग के तंबू में सच में उसने अपना लहू लेके प्रवेश किया। तो मतलब ये जो दुनिया है यहाँ पे हमेशा जैसे टाइमिंग बदलता रहता है, ये समय से बंधी हुई दुनिया है, लेकिन स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल के लिए है। तो वहां पे अनंत काल के लिए हम लोग लाइक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब कपड़े बदलते बार बार, लेकिन स्वर्ग में मतलब ना केवल हम अनंत काल के लिए जीवित रहते हैं, हमारे जो पापों की क्षमा है वो भी वहां पे अनंत काल के लिए लागू होती है। आमेन। तो इब्रानियों 9 अध्याय देखेंगे, इब्रानियों 9:11। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया,
तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, और तो इस दुनिया में मतलब जो भी मंदिर है या जो भी तंबू है तो मनुष्य के हाथों से बना हुआ है। सही बात है। तो ये चैपल इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, तो ये सोल में जो मेरा चर्च है उससे भी बड़ा लग रहा है मुझे, लेकिन ये मनुष्य के हाथ से बना हुआ है। तो एक तंबू है जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना है, तो इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो सब मनुष्य के हाथ से बना है, लेकिन जो स्वर्ग में तंबू है वो मनुष्य के हाथ से नहीं बना है, वो अनंत काल का तंबू है। तो इसलिए यीशु मसीह इब्रानियों 9:11 में लिखा है कि परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, तो बकरों और बछड़ों के लोगों के द्वारा नहीं, तो अपने ही लहू से तो एक ही बार पवित्र मतलब पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो यहाँ पे मतलब इस पृथ्वी पे हमें बार बार मतलब जैसे क्या कहते हैं बलिदान चढ़ाना पड़ता है, तो लेकिन स्वर्ग में क्योंकि अनंत काल की दुनिया, वहां पे जब एक बार पाप हमने धो दिया तो अनंत काल के लिए धुला रहेगा। तो यीशु मसीह अपना ही लहू लेकर तो इस पृथ्वी के तंबू में उन्होंने अपना मतलब लहू नहीं उड़ेला, तो स्वर्ग के तंबू में क्योंकि उन्होंने अपना लहू लेके प्रवेश किया, तो इसलिए हमारा जो पाप है वो अनंत काल के लिए सच में शुद्ध हो गया। तो पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, केवल इस बात पे विश्वास करना है। सही है। इब्रानियों 10 को अब एक बार जाके देखते हैं। इब्रानियों 10:10 आप लोग को दिखाई दे रहा है? 10:10 आप लोग साथ साथ पढ़िए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देखे कि बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। तो आप लोग पापी हैं या आप पवित्र हैं? तो बाइबल आपसे क्या कहती है? तो यीशु मसीह ने हमारे तरफ से मतलब एक अनंत चढ़ावा क्योंकि चढ़ा दिया है, इसलिए अनंत काल के लिए हमारे पाप खत्म हो गए हैं। तो पुराने नियम में मतलब जब भी कोई पाप करता था उसको भेड़ और बकरे की बलि चढ़ानी पड़ती थी, तो जब जब कोई पाप करता तब तब उसको बलि चढ़ानी पड़ती। तो वहां पे मतलब खून की नदियां बहती रहती थी, और जो मतलब उनको जलाने का जो धुआं है वो बादल के समान ऊपर उठता रहता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्योंकि स्वर्ग के तंबू में प्रवेश करके अपना लहू लगा दिया, तो स्वर्ग में मतलब ना तो भूतकाल है, ना तो भविष्य है, ना तो वर्तमान है, मतलब सिर्फ वर्तमान है।
तो वहां पे सब कुछ अनंत काल के लिए है। मेरे पीछे बोलिए, स्वर्ग में सब पाप अनंत काल के लिए साफ हो गया। तो स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल के लिए है, तो पापों की क्षमा भी वहां अनंत काल की है। तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के मतलब तंबू में प्रवेश नहीं किया, तो क्रूस पे जो लहू उसने बहाया, तो उस लहू को लेकर वो स्वर्ग में प्रवेश किया और स्वर्ग में उसने अपना लहू लगा दिया, इसलिए हमारे पाप अनंत काल के लिए साफ हो गए। आमेन। तो 10:11, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, परवा चढ़ाता है। तो पुराने नियम में मतलब जो बलि थी उससे पाप नहीं साफ किया जा सकता, लेकिन जब हम 12 वचन को देखते हैं, आप सब लोग साफ साथ साथ 12 वचन पढ़िए, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो इसलिए हमारा पाप अनंत काल के लिए शुद्ध हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कितना अद्भुत काम किया। 12 साफ साफ पढ़िए, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तेरा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। तो परमेश्वर का शत्रु कौन है? तो यीशु मसीह ने चाहे हमारे सारे पाप धो दिए हैं, जो बोलता है कि मैं पापी हूं वो परमेश्वर का शत्रु है। समझ रहे हैं? 14 हम साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमेन। उसके बाद 15, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। 16 प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और 17 को हम ऊंची आवाज में साथ साथ पढ़ेंगे, फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 18 और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आमेन। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पे आया और उसने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया। तो बहुत सारे लोग इस बारे में विश्वास नहीं करते और अपने आप को पापी बोलते रहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुआ। यीशु मसीह क्रूस पे फेल नहीं हुआ, तो उसने हमारे सारे पापों को धो दिया। तो 1962 में बाइबल पढ़ते पढ़ते मैंने इस सच्चाई को रियलाइज किया कि हमारे सारे पाप क्रूस के ऊपर धुल गए हैं। तो तब से मैंने अपने आप को धर्मी बोलना शुरू किया।
और मेरे फ्रेंड्स मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे, अरे तू तो चोरी भी करता था, झूठ भी बोलता था, और मतलब सब गलत काम करता था। लेकिन अब मैं इस सुसमाचार को मतलब पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा हूं। तो यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे सारे पाप धो दिए। तो शैतान हमको धोखा देता है, तो शैतान हमको बोलते कि नहीं तुमने पाप किया, असल तुम पापी हो। तो आज बहुत सारे लोग मतलब चाहे चर्च आते हैं, तो चाहे मतलब ईश्वर से साफ साफ बोल दिया कि उसने हमारे पाप को धो दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी खुद को पापी बोलते हैं। तो प्रभु इस बात को सुन के कितना दुखी होते होंगे, तो मैंने तेरे सारे पाप धो दिए, अगर तब भी तू मतलब पापी है तो तू कहना चाहते कि मेरी मृत्यु व्यर्थ है, तो प्लीज आप लोग आगे से ऐसा मत करिए। तो यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पे मरा, तो उसने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया, इसलिए हम पवित्र हो गए हैं। तो लास्ट एक और वचन हम देखते हैं, रोमियो 3:23, हम साथ साथ पढ़ेंगे, आप साथ साथ पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24 साथ साथ पढ़िए, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो परमेश्वर ने आपको धर्मी कहा है, आमेन। आप लोग धन्यवादी हैं। तो परमेश्वर अगर आपको धर्मी कह रहा है तो आप धर्मी हैं। तो अब तक आपने अपने आप को चाहे पापी समझा होगा, लेकिन वो इसीलिए था क्योंकि आप बाइबल को नहीं जानते हैं। तो हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस से पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा है, पवित्र कहा है। तो परमेश्वर कहा कि वे हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। तो आप इस वचन पे विश्वास कीजिए। तो आप मतलब बहुत ज्यादा आशीषित जीवन जी पाएंगे। तो बाइबल में बहुत गहराई है, तो आप ऐसे ही कच्चा पक्का पढ़ेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैंने बाइबल को बहुत ज्यादा पढ़ के इन सब बातों को जाना है, और मुझे क्लियरली पता चला कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप धो दिए, बिल्कुल स्पष्ट है। तो परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। तो तुम्हारे पापों को उसने ना केवल धो दिया, वो उनको याद भी नहीं करता। तुम्हारे पापों को उसने ना केवल धो दिया, वह उन्हें याद भी नहीं करता। तो हम सच में हम बेचारे पापी थे, हमारे लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। तुम्हारे पापों को ना केवल उसने धोया, तुम्हारे पापों को ना केवल उसने धोया, वह उन्हें याद भी नहीं करता।
वो उनको याद भी नहीं करता। तो 1962 में तो मैंने स्पष्ट रूप से मतलब विश्वास किया कि मेरे पाप धुल गए। तो तब से मतलब पूरे दुनिया के लोगों को तो मैं यही प्रचार कर रहा हूं कि हम लोग पापी नहीं है, हम धर्मी हैं। तो आप सबों ने चाहे पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह ने आप सबों के पापों की सजा को प्राप्त किया है। तो रोमियो 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो 24 साथ साथ पढ़ेंगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेम में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो सबसे परमेश्वर ने हमको धर्मी कहा है, तो इसलिए सच में हम धर्मी हैं। तो परमेश्वर न्यायाधीश है, तो पास्टर जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं इस प्रकार का प्रचार कर सका। तो हो सकता है कि आप बाइबल को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, तो मैंने सच में बाइबल को बहुत पढ़ा और परमेश्वर ने वचनों को मुझे जानने दिया कि मैं सबको इन्हें प्रचार कर सकूं। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो हमारे पापों के लिए मर गया, तब हमारे सारे पाप धुल गए। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र कहा है, हमें धर्मी कहा है। तो चाहे सच में हमने चोरी भी की है, पाप भी किया है, हमने झूठ बोला है, लेकिन सच में यीशु मसीह ने हमारे पापों को बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया है। तो आज से आप लोग अपने आप को सच में धर्मी बोलिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको धर्मी बोलता है। तो जब यीशु मसीह ने क्रूस पे सच में अपना लहू बहाया, तो उसने हमारे पूरे पापों की कीमत चुका दी। तो यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, हम धर्मी बनाए गए हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु प्रभु आज जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, प्रभु खुद से कोई भी पवित्र नहीं है, धर्मी नहीं है। प्रभु सबने छोटे बड़े पाप किए हैं, लेकिन प्रभु जैसे क्रूस पे आपने अपनी जान दी, हमारे सारे पापों की सजा आपने प्राप्त कर ली, इसलिए प्रभु आपने हमें पवित्र कर दिया। प्रभु हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते, आपके वचन पे विश्वास करते हैं। प्रभु आपका वचन हमें कहता है कि हमारे पाप क्रूस पे धुल चुके हैं। प्रभु सच में आपने पापों की क्षमा हमें दी। प्रभु आप सच में हमें धन्यवादी मन से प्रभु के लिए जीने के लिए बनाइए, और हमारे द्वारा आपकी महिमा हो सके। प्रभु आज ये वचन हम यहाँ बांट सके, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।